हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए गेट 2025 का फॉर्म भरूँगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको गेट के फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है, और जो भी मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं या जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, उन सब का भी सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म भर के आपको बता दूंगी कैसे इस फॉर्म को भरना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपलोड करनी है ताकि आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप वेबसाइट पे ही आएंगे। जैसे ही आप वेबसाइट पे आते हैं तो आप देखेंगे कि गेट में एक और नोटिफिकेशन आती है रिगार्डिंग पेमेंट फेलियर क्वारीज कॉन्टैक्ट। अगर आपका पेमेंट फेल हो रहा है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा नोटिफिकेशन है या दूसरा नोटिस आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, उसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। देखिए, ये पिछले साल मैंने फॉर्म भरा था तो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी ईमेल आईडी लॉगिन दिखा रहा है, पर इस साल अगर आपको फॉर्म भरना है तो दोबारा आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यानी हर ईयर गेट में नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो मैं दोबारा रजिस्टर करूँगा, मैंने रजिस्टर कर दिया है। जैसे ही रजिस्टर हेयर में क्लिक करूँगा, मैं अपना नाम भरूँगा। तो ये डमी फॉर्म है तो मैं नाम कुछ और भर रहा हूँ, राहुल कुमार मैं यहाँ पर नाम भर देता हूँ, राहुल कुमार। तो इस तरीके से मैंने नाम कन्फर्म कर दिया है। जैसे ही नाम कंफर्म किया, उसके बाद मुझे ईमेल एड्रेस भरना है। तो आप वही ईमेल एड्रेस भरेंगे जिसमें आपकी सारी जानकारी आपको मिल जाए, सारी जानकारी आप एक्सेस कर पाएँ। मतलब आप ऐसा कुछ भी ना भरें जिसमें आपको ओटीपी ना देख पाएँ, या कोई जानकारी अगर गेट के थ्रू आए तो वो आपको ना मिल पाए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा आप नहीं भरेंगे। और नंबर भी आप वही एक्सेस लेंगे जो आपके पास हो, ना कि ऐसा कोई नंबर रख ले जो बंद रहता है या आपके पास नहीं है। तो मैं यहाँ पर नंबर डाल रहा हूँ, ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। तो मैंने ईमेल आईडी भी डाल दिया है, नंबर भी डाल दिया है। पासवर्ड आप अच्छे से डिसाइड कर लेंगे कोई भी। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से पासवर्ड बना रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा जो भी पासवर्ड आपको अच्छा लगे। इसमें क्या करना है आपको, पासवर्ड में ये चीज़ ध्यान रखनी है, कैपिटल वर्ड लेना है, एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है, नंबरिंग लेनी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। मतलब ये तीन चीज़ें तो होनी ही चाहिए। तो मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं तो जल्दीबाजी में फॉर्म भर रहा हूँ, या ये कह सकते हैं बिना ध्यान दिए भर रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी गलत होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक डमी फॉर्म है। पर जब आप फॉर्म भरें तो अपनी डिटेल अच्छे से चेक कर लें, वही डिटेल भरें जो क्लास 10th में आपके पास है, यही सब आप भरें और यही सब आप देखें। तो जैसे ही आप करेंगे तो उसके बाद एक आपको गेट का थ्रू लिंक आ जाएगा, ये कह सकते हैं मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगी। तो उसके बाद आप लॉगिन करेंगे फॉर्म को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो मैं लॉगिन करने के लिए फॉर्म को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो मुझे मैसेज आ चुका है मेरे मोबाइल पे, और मेल पे भी इनफेक्ट मैसेज आ चुका है। आप देखिए, 1 दिखा रहा है यहाँ पर मेल पर। देखेंगे, मैं फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो आप सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है आप 2 एग्ज़ाम देना चाहते हैं या एक। तो देखिए, मैं आपको कहूँगा, आप अगर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम भर रहे हैं या किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भर रहे हैं, तो आप एक ही एग्ज़ाम भरें, क्योंकि देखिए एक ही एग्ज़ाम से होना होगा तो हो जाएगा, बाकी दूसरे एग्ज़ाम वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिस्ट्री वाले भी जो एग्ज़ाम भर सकते हैं वो आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, तो कोई फ़ायदा है नहीं। आप एक ही एग्ज़ाम भरें, 2 भरने तो आप 2 क्लिक करेंगे, दोनों एग्ज़ाम के बारे में आप लिख पाएंगे। पर उसके लिए आपको 2 बार फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी। फीस 2 बार का मतलब है एक्स्ट्रा फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो मैं तो 1 ही भर रहा हूँ यहाँ पर, आप एक ही एग्ज़ाम भरिएगा। केमिस्ट्री भरना है हमें, तो मैं CY भर रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यू मैंने यहाँ कर दिया है। एग्जामिनेशन सिटी वही रखिएगा जहाँ पे आप नियर बाय हों, और ये भी आपको तभी मिलेगी जब आप जल्दी फॉर्म भर देंगे, यानी जल्दी के दिनों में, यानी स्टार्टिंग के दिनों में आप फॉर्म भर दें। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कोई भी सिटी भर रहा हूँ, बाकी आप वो भरिएगा जहाँ पर आप अवेलेबल हों, और या जहाँ पर आप सच में एग्ज़ाम दे पा सकते हों, तो जहाँ पर आपका एक्सेस हो, कहने का मतलब है। तो मैंने अपने हिसाब से भर दिया कोई भी 3 सिटी, और मैं ये सेव हो गई डिटेल, और नेक्स्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि मेरा नाम ऑलरेडी आ रहा है, ईमेल एड्रेस मुझे वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर मेरे को वेरीफाई करना है। तो ईमेल एड्रेस मैं वेरीफाई कर देता हूँ, एक OTP ईमेल एड्रेस में आया होगा, मैंने ये OTP भी वेरीफाई कर दिया है। जैसे ही वेरीफाई हो गया, उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप वही डालेंगे जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में, या जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर मैं तो कुछ गलत सही इतना देख नहीं रहा, पर आपको ध्यान देना है। और जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी आप ज़रूर देख लें। कैटेगरी में भी एलिबिलिटी फॉर जनरल EWS के लिए भी आप चेक कर लीजिए कि आप EWS में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वैसे आज तक तो यही हुआ है कि जनरल EWS और गेट की जो जनरल कट ऑफ है वो सेम ही रहती है, पर फिर भी आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको जनरल EWS से भरना है, या OBC NCL से भरना है, या SC ST से। कैटेगरी
आप ध्यान से भरिएगा, इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है आगे। कंट्री ऑफ परमानेंट एड्रेस सबसे पहले इंडिया आ ही रहा है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जहाँ आप रहते हैं तो वहाँ का एड्रेस आप भरेंगे। वेर आई डी प्रूफ आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर आपको डालना पड़ेगा, तो 12 नंबर का होता है, तो मैं यहाँ पर 12 नंबर डाल देता हूँ कोई भी। तो नेम ऑफ गार्जियन जो भी आपका 10th क्लास में होगा वो आप डालेंगे, और जैसे आप ध्यान से भरिएगा और बिल्कुल ठीक भरिएगा। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ रिलेशनशिप, फादर का अगर आपने नाम डाला तो फादर का, मदर का डालेंगे तो मदर का, पेरेंट का नंबर अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, और या आप अपना ही कोई दूसरा नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पेरेंट का नंबर। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करनी है तो कंफर्म कर सकते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ था, डेट ऑफ बर्थ एज रिपोर्टेड हियर विल बी नीडेड ड्यूरिंग द गेट, मतलब आपको डेट ऑफ बर्थ चेक करवानी है, यानी 10th क्लास की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आधार कार्ड में होनी चाहिए वो आप दिखाएंगे। उसके बाद जिप कोड यानी आपका एड्रेस, जहाँ भी आपका एड्रेस पड़ता है, और उसे आप डाल देंगे एड्रेस को। तो ये मैंने एड्रेस डाल दिया है, आगे बढ़ते हैं। कॉलेज पिन कोड, अब देखिए क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स, तो यहाँ पे आप बार बार सोचते हैं कि क्या क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स डालें, तो देखिए आपको एमएससी यहाँ पे डालनी है अगर आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो। बार बार मैं आपको याद दिला दूं कि आपको एमएससी की डिग्री यहाँ पे डालनी है अगर आप एमएससी के लिए पीएचडी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो, और अगर आप बीएससी में तो बीएससी की डिग्री आपको डालनी है। तो यहाँ पे अभी पीएचडी के लिए डाल रहा हूँ मैं फॉर्म, तो आप एमएससी की डिग्री भर रहा हूँ जहाँ से मैंने एमएससी की है, कॉलेज मैंने डाल दिया, इंस्टीट्यूट का रोल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आप डालेंगे। क्वालिफाइंग डिग्री में यहाँ पे मैं एमएससी से भर रहा हूँ, तो मैं एमएससी कर देता हूँ, एमएससी ये रही, तो एमएससी ये रही। और किस में किया है तो केमिस्ट्री में, मैंने क्वालिफाई किया तो केमिस्ट्री में डाल देता हूँ। हैव यू ग्रेजुएट एम द अबव डिग्री, देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट का मतलब पास होने से, आप ये मत सोचना कि बीएससी की डिग्री डालनी है, बीएससी का मतलब ग्रेजुएशन होता है, यहाँ पे मतलब है कि आप उसमें पास हुए कि नहीं। अगर आपने एमएससी डाली है, अगर आप हुए हैं तो येस लिखेंगे, नहीं हुए तो नो लिखेंगे। येस अगर आप लिखते हैं तो आप क्वालिफाइंग डिग्री का ईयर बता देंगे कि कब आप क्वालिफाई हुए, जैसे मैं 2023 लिख दिया है। आप नहीं हुए तो आपको लिखना पड़ेगा कि कब आप क्वालिफाई होंगे। यूनिवर्सिटी का नाम आपको डालना है तो मैं डालता हूँ कुछ भी, अभी ये तो डमी फॉर्म है, पर आप ध्यान से डालिएगा, पूरा अच्छा डालिएगा और सही डालिएगा, तो ये भी सेफ हो गया। नेक्स्ट में चला गया। अब देखिए आप तीन चीज़ें आपके पास है यहाँ पे, आप कलर फोटोग्राफ डालना है, कलर फोटोग्राफ मैं डाल देता हूँ, वो आपको ध्यान से डालना है। ये कलर फोटोग्राफ मैंने अपलोड कर दिया, तो देखिए डमी फॉर्म में तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा, पर आपको ध्यान देकर ही डालना है सारी चीज़ें। और ऐसे ही आपको फोटो आईडी आपको डालनी है, तो यानी कोई पीडीएफ आपको डालनी है, दस साइज पीडीएफ साइज, जिसमें आपका आधार कार्ड उसका कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कुछ भी अभी मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद आप रिव्यू एंड सबमिट कर सकते हैं या व्यू एप्लीकेशन कहाँ से आपको गेट के बारे में पता चला तो आप डाल सकते हैं, अदर्स में यूट्यूब चैनल का नाम मेरे, या आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका, जो भी आपको जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन पता लगी कुछ भी आप डाल सकते हैं, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। रिव्यू एंड सबमिट में आप जाएंगे, अपना ई सिग्नेचर आप करेंगे कि आपने कैसे फॉर्म भरा है, तो वेरीफाई करते ही डाउनलोड हो जाएगा फॉर्म, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये फॉर्म मेरा हो गया अपलोड, ये फॉर्म मैंने भरा है, तो इसको मैं चेक कर सकता हूँ, चेक कर लीजिएगा अपनी डिटेल, आप ऐसे ही आपका भी आएगा, आप डिटेल चेक कर लीजिएगा कि क्या नंबर है, क्या आपका नाम है, क्या फ़ोटो सही है, सिग्नेचर सही है और आपकी डिटेल सही है। उसके बाद आप डायरेक्ट दोबारा यहीं वापस पहुँचिएगा, उसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड में क्लिक करिएगा। जैसे आप सबमिट एंड प्रोसीड में क्लिक करेंगे तो प्रेस, इसमें लिखा हुआ है इसके बाद कोई भी एडिटिंग नहीं होगी, एक बार दोबारा सही से चेक कर लीजिए, कुछ भी एडिट करना है तो आप नो करके एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं नो कर दूँगा तो आप पीछे जाके, बैक जाके, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्लिक करा, डिग्री में क्लिक करा, आप मतलब चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी है कि पेमेंट से पहले आप हर चीज़ चेक कर लें कि कुछ चीज़ आपने गलत तो नहीं किया, उसके बाद आप सबमिट करें। तो व्यू एप्लीकेशन, तो ये मैं डिक्लेरेशन फॉर्म में क्लिक करके अब आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही उसके द्वारा, जैसे ही आप फिर उसके बाद आप सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद आप पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो सीधा पेमेंट का आएगा। तो देखिए जनरल से मैंने फॉर्म भरा था तो 1800 पेमेंट है, बाकी अगर आप डिफरेंट कैटेगरी से भरेंगे तो डिफरेंट इसमें एप्लीकेशन फ़ी है। तो उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो पेमेंट आपकी 1800 जाने वाली है, आप कैसे भी भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से या UPI से। अब इसके अलावा कोई भी डाउट अगर आपके मन में आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं।
तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।